राजधानी जयपुर के श्री राजपूत सभा भवन में आज श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र सिंह गुड्डा, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित समाज के जुड़े प्रबुद्ध जन पहुंचे। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी ने बताया कि राजनीति व समाज से जुड़े लोग लोकेंद्र सिंह कालवी को याद करते हुए उनके साथ बिताए पलों को लेकर भी चर्चा की। लोकेंद्र सिंह कालवी के पिता केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी थे। लकवे के कारण लोकेंद्र सिंह कालवी लंबे समय तक SMS अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया। राजपूत समाज के लिए लोकेंद्र सिंह कालवी की ओर से किए गए कामों को याद किया जाता है। कालवी का जन्म नागौर जिले के गांव में हुआ 27 अगस्त 1957 को। आज कालवी साहब की प्रथम श्रद्धांजलि लोकेंद्र सिंह कालवी हमारे समाज के हीरो थे, साहब हीरो थे, जाबाज नेतृत्व था, गजब ऊर्जावान नेता थे और दिलेर व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ी ताकत के साथ समाज का नेतृत्व। आज जो भी जयपुर में मौजूद थे, जयपुर जिले का, जयपुर शहर का ही रखा गया, पूरे प्रदेश भर का, देश भर का रखा भी नहीं है। जयपुर में जो भी मौजूद थे, राजनीतिक, सामाजिक और दूसरे जो संगठन है हर जाति के, वो लोग पधारे हैं यहाँ पे और श्रद्धांजलि सभा अर्पित करिए साहब को। तो ये समाज की एकता की बात हो रही है कि आज कालवी साहब नहीं है और उनकी पहली पुण्यतिथि में जो यहाँ मजबूती और जो एकता दिखी है सामाजिक राजनीतिक तौर पे और हर संगठन और हर समाज के 36 कौम की ओर से, तो वो एकता की बात यहाँ हो रही है कि वो एकता समाज को हर मौके पे, हर समाज को दिखानी चाहिए उनको। और ये परिवार को भी मजबूती दे रहा है आज पुण्यतिथि के, जिस तरीके से यहाँ पे पुराने साहब के मिलने वाले लोग आए, समाज को भी मजबूती दे रहा है और सबको। हमको साहब जो परिवार से ज़्यादा टाइम जो उन्होंने समाज में दिया है, आज वो देखते हुए बन रहा है हम लोगों को भी। साहब हमको यहाँ अगर 2 महीने घर में देते थे तो 8-10 महीने बाहर देते थे, तो ज़्यादातर साहब का जो टाइम रहा समाज में रहा है, समाज कल्याण में रहा है, तो आज वो देखते हुए बन रहा है। परिवर्तन जो सुनने में हमको मिल रहा है कि साहब ने काफ़ी बार सामाजिक उसको पहले देखते हुए साहब ने पार्टियों को ठुकराया बहुत बार, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, उन्होंने अपने पार्टी के टिकट ठुकरवाए हैं, पार्टी के टिकट दूसरों को दिए हैं। समाज पहले आरक्षण के तौर पे उन्होंने पार्टियां छोड़ी है कि समाज का दुर्व्यवहार हुआ है, समाज जो आरक्षण का ये मुद्दा है ये इसमें काफ़ी सही तरीके से समाज में नहीं आया हुआ है। तो उस तरीके से साहब ने समाज पहले और समाज, हर समाज पहले, चाहे वो गुजर समाज हो, साहब उसमें भी गए, हमारा समाज हो उसमें भी साहब ने पहले पार्टियों से पहले वो रखा है। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि समाज बाद में है, पार्टी पहले है, पार्टी की हुकूमत पहले है, तो वो फ़र्क आया। और एक बात और ये है कि कालवी साहब का कद इतना बड़ा है कि भगवान ने उनको 2 बेटे दिए हैं, तो ये हमारी हैसियत भी नहीं है कि हम एक उनको पूरा कर पाए। हम दोनों मिलके भगवान ने दिया है कि हम दो, आप साहब के 2 बेटे हो जो उन्होंने काम किए हैं, तो दोनों मिलके दोनों उसको आगे बढ़ाए और समाज को मजबूत करें। समाज के साथ अन्य समाज के हजारों लोगों के उपस्थिति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ अभी पधारे हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र सिंह जी गुड्डा, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ और सैकड़ों नेता आज अपने प्रिय नेता को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है।